गाइज तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज ग्रैंड स्लैम ओवर हो चुका है और गाइज आज यहां पर AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक की मेंबर जूलिया हर्ट एक्शन में देखने को मिली, जहां पर AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर आज यहां पर जूलिया हर्ट स्काई ब्लू को फेस करते गए और ऑथरेस स्टेडियम में आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें इन दोनों के बीच में तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है, जहां पर आज इस मैच के अंदर ब्रोडी किंग जूलिया हर्ट की तरफ से रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते गए और इसीलिए आज इस मैच के अंदर जूलिया हर्ट स्काई ब्लू के साथ माइंड गेम खेलती गए, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर जूलिया हर्ट हैंडशेक ऑफर करती गए, जिसके बाद कि जब यहां पर स्काई ब्लू हैंडशेक करने जाते गए तो जूलिया हर्ट यहां पर हेडलॉक यूज कर देती गए, जिसके बाद कि इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर मल्टीपल नी स्ट्राइक और सुप्लेक्स देखने को मिलते गए और गाइस मैच के ओपनिंग के कुछ मिनटों के अंदर स्काई ब्लू इस मैच के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में होती गए, बट गाइस इसके बाद इस मैच के अंदर जूलिया हर्ट रिंग साइड एरिया पर जाकर ब्रोडी किंग के पीछे छुप जाते गए, जिसकी वजह से स्काई ब्लू जूलिया पर अटैक नहीं कर पाती गए और तभी यहां पर जूलिया हर्ट पीछे से आके स्काई ब्लू को हेयर पकड़ के गिरा देती गए और इसके बाद इस मैच के अंदर स्काई ब्लू के ऊपर जूलिया हर्ट एक तगड़ा मून शॉट लगाती गए, जिसके बाद की फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर जूलिया हर्ट के स्लाइडिंग फोर आर्म के बाद जूलिया हर्ट हार्टलेस टैप के साथ इस मैच को जीत जाती गए। यहां पर रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर जूलिया हर्ट को उनके करियर की 25 लगातार विक्ट्री मिल चुकी है।